अभी अपन ने पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया देखी। एक जैन दर्शन ही ऐसा है दुनिया के अंदर कि जो पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान बना देता है, और कोई ऐसा दुनिया में आज तक कोई नहीं आया कि वो कहता है कि महाराज जी मेरा बच्चा ज्ञानवान न बने। मगर ज्ञान, लौकिक ज्ञान के लिए तो हम ना जाने कहां कहां अपने बच्चों को भेज देते हैं, देश विदेश भी नहीं हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, भारत कम पड़ जाता है, हम विदेशों में अपने बच्चों को भेज देते हैं। मगर दुख और वेदना की बड़ी बात होती है कि हम पाठशाला में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। हम लौकिक शिक्षा के लिए तो हजारों लाखों रुपए खर्च करके लौकिक शिक्षा प्राप्त करा देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बेटा लौकिक शिक्षा पाकर अपने हाथ में दारू की बोतल लेकर के न घूमे, कोई व्यसन अपने जीवन में न करे, कोई पाप में अपनी जिंदगी को न उतार दे। मगर पाठशाला का एक ऐसा संस्कार होता है कि वह संस्कार अगर वह अपने हृदयंगम कर लेता है तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए पाठशाला का विद्यार्थी, वो कभी बिसनी पापी दुराचारी नहीं हो सकता। हमने 2001 में कोटा में जब चातुर्मास किया तो वहां एक पाठशाला चलती थी, और आज उस पाठशाला के कम से कम 50 बच्चे मेरे संपर्क में हैं। कोई बंबई में है, कोई नोएडा में है, कोई अमेरिका में है, क्योंकि पाठशाला पा यानी पाना है अगर जीवन में, ठा यानी ठाठ, अगर पाना है जीवन में ठाठ तो पाठशाला जरूर जाना चाहिए। और जो माताएं अपने बच्चों को पाठशाला भेजती हैं वो बच्चे संस्कारित होते हैं, और जहां संस्कृति है वहां संस्कार है, और जहां संस्कार है वहां संस्कृति है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप क्या चाहते हैं, कौन माँ चाहती है, कौन पिता चाहता है कि मेरे बेटे के हाथ में शराब की बोतल हो, गोल्डन ईगल हो, 3X हो, जिन हो, रम हो, बियर बार में जाए और जहां लिखा रहता है माई डियर कम हियर ठंडी बियर। कौन अपने बेटे बेटियों को पिलाना चाहता है, कौन हुक्का बार में भेजना चाहता है। मगर आज के इस भौतिक बात के युग में जहां पंच इंद्रियों के विषयों की लोलुपता में लोग दौड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में जीने का एक महत्वाकांक्षा जो प्रत्येक युवा युवती के जीवन में आज उत्पन्न हो रही है, बंधु ये विनाश के कारण है। पाश्चात्य संस्कृति कि यहां पर कोई चारित्र की चर्चा नहीं होती, वहां कोई नियम और कानून की चर्चा नहीं होती, वहां केवल वासना और खाने पीने के अलावा कोई चर्चा विदेशों के अंदर नहीं होती। आज विदेशियों के यहां पर ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों खुले? कॉन्वेंट्स का मतलब क्या है? अनाथालय। जितने ये कॉन्वेंट्स स्कूल है इनका मीनिंग होता है अनाथालय, क्योंकि विदेशों के अंदर जब कोई चरित्र की कीमत नहीं थी और अभेद बच्चे जो बच्चियां पैदा होते थे, तो वहां के पोप ने निर्णय लिया कि इनको चर्च में रख दिया जाए। और वहां के अभेद बच्चे, क्योंकि वहां की माताएं अपने बच्चे को जो अभेद जन्म लेता था उसे अपने घर के बाहर छोड़ देती थी, उसे कुत्ते सुअर उठा करके खा जाते थे। जब वहां के पोप ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने घोषणा कर दी कि इनको चर्च में पाला जाए। और चर्च में जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वहां दुराचार की कोई सीमा नहीं है, चारित्र की कहीं कोई दूर दूर तक कोई सुगंधि नहीं है, विदेशी आदमी केवल पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहना चाहता है और राग रंग में अपने जीवन का विनाश करता चला जाता है। तभी तो हमारे भारतीय जाकर के विदेशों में सॉफ्टवेयर डॉक्टर इंजीनियर CA सारे धीरे धीरे अपना प्रभुत्व वहां बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि मांसाहारी और दुराचारियों का मस्तिष्क के ज्ञान के तंतु विनाश की ओर चले जाते हैं। और भारतीय जीवन में जीने वाला व्यक्तित्व का बुद्धि का विकास, उसके ज्ञान की क्षमता
अलौकिक होती है। आज हजारों की तादाद में विदेशों के अंदर हमारे युवा और युवतियां काम कर रहे हैं। हमारे भारत का दिमाग और पाश्चात्य संस्कृति का विकास, ये बड़े दुख और दर्द की बात है। अगर यही दिमाग हमारे भारत में काम आता तो हमारा भारत और भी ऊंचाइयों को छू लेता, मगर हमने पैसे को बहुत महत्व दे दिया। पैसे को इतना महत्व दे दिया, मगर विदेशी ये नहीं समझ पाते कि हमारे धर्म का विछोह हो जाता है। उन्हें जिनेन्द्र भगवान को छूने भी नहीं मिलता, अभिषेक करने की बात तो बहुत दूर है। उन्हें साधु को आहार देने नहीं मिलता, साधु के दर्शन नहीं मिलते। पैसा ही सब कुछ नहीं है बंधुओं, बहुत पैसा है दुनिया में। मैं तो नहीं समझता कि दुनिया में कोई गरीब आदमी है, सब अमीर हैं। नोटबंदी के समय की घटना में प्रायः सब जगह सुनाता हूं, तुम्हें भी सुनाना चाहता हूं। अगर किसी को अपनी धन दौलत का थोड़ा सा भी अहंकार आ गया हो तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि एक भिखारी, जैसे हम भिखारी कहते हैं, वो भी करोड़ों से खेलता है। जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर को, मैं प्रवचन कर रहा था, 1,000-1,500 की पब्लिक प्रवचन में बैठी थी, और 5 मिनट के अंदर वो सारी की सारी जनता उठ गई, इतनी से भी कम बचे। मैंने कहा जरूर कोई मर गया होगा, उसकी अवधि में जाने के लिए लोग चले गए होंगे। और धीरे धीरे करके 10-5 लोग बचे और सारे के सारे लोग चले गए। मैंने प्रवचन बंद कर दिया, कमरे में गया, 5-7 बच्चों से बात हुई तो बोले महाराज, ने कहा कोई मर गया क्या? बोले नहीं महाराज जी, मोदी जी ने नोट बंद कर दिए हैं, 1,000 का नोट बंद हो गया है। तो पापा ने मम्मी को बुलाया है, और पापा ने मम्मी को बुलाया, मम्मी ने पापा को बुलाया कि जल्दी निकालो कहाँ कहाँ नोट रखे हैं, उन्हें बदलना है। तो इसलिए मैंने कहा पंडाल खाली हो गया, मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरे तीसरे दिन पेपर में आया, एक भिखारी के पास 1,82,42,310 रुपये निकले। अब उसे तुम भिखारी कहोगे? किसके पास नहीं है पैसा, मगर उस पैसे का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं? अपने धन का उपयोग कितने लोग सदमार्ग में कर पाते हैं? ये पाठशालाएं तुम्हारे बच्चों को इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि तुम्हारे बच्चे अपने जीवन में कहीं व्यसन की ओर ना चले जाएं, पाप की ओर ना चले जाएं। रतनलाल जी बैनाड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो सांगानेर के छात्रावास के अधिष्ठाता थे कोरोना में, क्योंकि उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था। कोई भी किसी वक्त भी चला जाए, वो अपना समय निकाल करके उसे पढ़ाते थे। बहुत ज्ञानवान थे, कर्म सिद्धांत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्होंने 4 साल की उम्र में जैन दर्शन को पढ़ना सीखा था। वो कहते थे कि हमने कभी कोई भी स्तुति किताब से नहीं पढ़ी। हमारे पिताजी हमें गोदी में बिठाते थे, ठंड के समय में साल उड़ा लेते थे और स्तुतियां पढ़ते थे, और हम सुनते सुनते हमने सारी स्तुतियां याद कर ली थी। पाठशाला भी उन्होंने लगाई, लोगों को पढ़ाया, और सांगानेर में जो उन्होंने अध्ययन कराया अधिष्ठाता के पद पर रहकर, आज सारे विश्व के अंदर सांगानेर के छात्र अपना एक डंका बजा रहे हैं, दिगंबर जैन दर्शन की एक ध्वजा फहरा रहे हैं। 10 लाक्षण पर्व में विदेशों में भी हमारे छात्रावास के बच्चे प्रवचन करने जाते हैं, कोई कनाडा जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई कुवैत जाता है, तो कोई अमेरिका जाता है, क्योंकि आज सारे लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं। और अब तो और छात्राओं का भी एक छात्रावास वहाँ चालू हो गया है। अभी आपने चातुर्मास के दौरान देखा होगा, वहाँ की बालिकाओं ने क्या समय सार की गाथाएं, पूरा समय सार कंठस्थ याद है। महाराज ने नंबर बोला, उनने गाथा बोली, सारे भारत में क्या विश्व में तहलका मच गया था। ऐसा ज्ञान अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं तो हमें ये पाठशाला बहुत अनिवार्य है।
और बड़ों के लिए भी एक द्वादश वर्ष की कोर्स चालू कराया पूज्य मुनि सभी ने 2017 के चातुर्मास में किशनगढ़ के अंदर। आज उस द्वादश वर्षीय कोर्स से सारे भारत में 10,000 लोग स्वाध्याय करते हैं। नमोकार मंत्र से वहां पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। नमोकार मंत्र से लेकर आपको एक छोटी का विद्वान बनाया जाता है, कोई भी पढ़ सकता है। अभी हमारे शास्त्री जी यहां पधारे हैं सांगानेर से, ये फार्म लेकर के आए हैं और आप अपना फार्म भरें। पहले साल में 3 भाग और 1 6 डाला, 1 साल का कोर्स होता है। नमोकार मंत्र से 3 भाग पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन की क्लासें 24 घंटे चालू हैं, जब चाहें आप अपना मोबाइल ऑन करें और क्लास शुरू कर सकते हैं। ये 6 डाला हैं और ये श्रवण संस्कृति के 3 भाग हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेश का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, ये बहुत छोटे छोटे भाग हैं। भारत में हजारों की तादाद में व्यापारी, जॉब करने वाले युवा युवतियां, सारे के सारे लोग इस संस्थान से, द्वादश वर्षीय कोर्स से जुड़े हुए हैं। और जो अब बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं अपनी लौकिक शिक्षा, वो अभी घरों में रह रहे हैं, वो भी चाहें तो द्वादश वर्षीय कोर्स को अपना एडमिशन करा सकते हैं। छोटे बच्चों की पाठशाला होगी और बड़ों के लिए भी पाठशाला होगी। अगर वो चाहें, जो विद्वान यहाँ आएंगे वो आपको रात्रि में एक सामूहिक पुरुषों की क्लास ले सकते हैं, माताओं बहनों की दोपहर को भी ले सकते हैं, बच्चों की पाठशाला के बाद बड़ों की 8 बजे 8:30 बजे, जैसा आप कहेंगे उनको वैसा वो बताएंगे। और जो पूछना चाहें वो आपको सब कुछ समझाएंगे। तो आप जब ज्ञान आपके पास होगा तो कितना बड़ा फायदा होगा। आपके नगर में कोई शीतलाचारी साधु अगर आएगा तो आप उससे 2 प्रश्न कर लेंगे तो दूसरे दिन ही पीछे कमंडल उठा के चला जाएगा, शीतलाचार नहीं चलेगा। और तुम इतने ज्ञानवान हो जाओगे कि अगर कोई एकांत पक्षी, कोई खुल्ला कह दो कांजी पंथ का कोई व्यक्ति, कोई विद्वान अगर तुमसे तत्व चर्चा करना चाहेगा तो तुम उसे भी धज्जियां उड़ाने की ताकत इस द्वादश वर्षीय कोर्स से सीख सकते हो। बंधुओं, पूरा सर्वार्थ सिद्धि आदि सारे ग्रंथ तुम्हें पढ़ाए जाते हैं समय समय पर। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाएगा, रत्नकंडक श्रावकाचार्य पढ़ाया जाएगा, इष्टोपदेश पढ़ाया जाएगा, द्रव्य संग्रह पढ़ाई जाएगी, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई जाएगी, राजभावतिक पढ़ाई जाएगी, तुल्लोय प्रणति पढ़ाई जाएगी, सारे समय सार जी पढ़ाया जाएगा, प्रवचन सार पढ़ाया जाएगा। सारे ग्रंथ आपको 12 साल में आपको शास्त्री की उपाधि मिल जाएगी और वहां से डिग्री मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा। और इस परीक्षा में साल भर में जो एग्जाम होता है, इसमें जो सारे भारत वर्ष में जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड मेडल ओरिजिनल मिलता है, नकली नहीं। जो वो पॉलिश के मिलते हैं ना वो नहीं मिलते, ओरिजिनल मिलते हैं। सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये संस्थाएं चलती हैं। क्या अलौकिक दृश्य होता है बंधुओं। इसलिए एक भी परिवार ऐसा ना बचे जो इस पाठशाला से ना जुड़े और द्वादश वर्षीय कोर्स से ना जुड़े। जिनको थोड़ा भी पढ़ना आता है वो भी जुड़े। और मात्र आपको 24 घंटे में से मात्र आधा घंटे निकालना है। एक ऑनलाइन क्लास आपको लेना है आधा घंटे की और 23.5 घंटे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के। आधा घंटे बुजुर्ग से बुजुर्ग 80-80 साल के लोग नमोकार मंत्र से पढ़ना सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने जॉब में निकाल दी, परिवार में निकाल दी, अब उन्हें लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। एक जिनेंद्र कुमार जी हुए, बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार, उन्हें बहुत वर्षों के बाद जैन दर्शन समझ में आया और उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा। और बंधुओं, ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इसलिए पाठशालाएं में प्रत्येक माँ अपने बच्चे को भेजे जरूर और स्वयं जाए, स्वयं बच्चे को लेके जाए। स्कूल के लिए भेजते हो कि नहीं भेजते, स्वयं जाते हो भेजने के लिए? तो धर्म की पाठशाला के लिए अगर हम स्वयं अपने बच्चे को आधा घंटे के लिए पाठशाला में भेजते हैं, आधा घंटे आप मंदिर जी में भक्तांबर जी पढ़ लीजिए, तत्वासूत पढ़ लीजिए,
छह डाला पढ़ लीजिए, उसके पाठ कर लीजिए, जब तक आपके बच्चे की छुट्टी हो जाएगी आप अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर के आ जाइए। ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, आपके घर भी मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्रत्येक माँ जिसे धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, प्रतीति है, लगन है और श्रद्धा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे आज भौतिकवाद के युग में समीचीन धर्म को छोड़कर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ मस्तक झुका रहे हैं। जैसे पीके में, पीके फिल्म देखी आप लोगों ने? देखी ना, पान का पीक एक पत्थर में लगा दिया जाता है और वहां पर पढ़े लिखे लोग हाथ जोड़ते हैं और कुछ पैसे चढ़ाते हैं और क्या कामना करते हैं कि मैं कॉलेज में अच्छे नंबरों में पास हो जाऊं। तो कहीं तुम्हारे ये बच्चे यहां वहां ना भटक जाएं, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर कहीं और दूसरे स्कूलों में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद न कर लें। इसलिए ये संस्कार गर्भ में ही दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, आपके बच्चे ने जन्म ले लिया, जब जागे तब सवेरा है। मैं तो कहता हूँ सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिजनीलैंड का झूला कहता हूँ। यानी जब जागे जब सवेरा, कोई जरूरत नहीं जब मुर्गा बोलेगा जब सवेरा होगा, नहीं जब मेरी नींद खुलेगी जब सवेरा होगा। ऐसी धारणाएं अपने जीवन में बनाएं, अपने परिणामों को समझाएं और अपने बच्चों को संस्कारित करें। तो एक बैनाड़ा जी की बात मैं कर रहा था, सारे विश्व के लोग रतनलाल बैनाड़ा को जानते हैं, अभी भी उनकी क्लासें ऑनलाइन चलती हैं। वो भले दुनिया में नहीं है, दुनिया में मतलब भारत में नहीं है, कहीं ना कहीं उनने जन्म तो लिया होगा। तो ज्ञान, तो उन्होंने बचपन में एक जीवन की घटना सुनाई कि मैं 4 साल की उम्र से अपने पिताजी की गोदी में बैठ करके स्तुतियां सुना करता था। और आज के दादा तो घरवाटे देते रहते हैं, कहां उठते हैं, और दादा का अर्थ तो गुंडा होता है आजकल। तो दादाओं को कहां फुर्सत है कि वो अपने नाती पोतों के लिए कुछ धर्म के संस्कार दे सके, क्योंकि वो स्वयं धार्मिक नहीं है। जब दादाजी और पिताजी अगर धार्मिक होंगे तो वो औलाद नहीं जो अपने माता पिता के कदमों पे ना चले, वो बच्चा भी धार्मिक होगा। तो बैनाड़ा जी ने 4 साल की उम्र से स्तुतियां सीखी, फिर धीरे धीरे उनके पिताजी ने कहा बेटा अब 5 साल जाया करो, अब तुम बड़े हो गए हो, 8 साल के हो गए हो। तो बैनाड़ा जी कहते हैं मैंने पिताजी से कहा पिताजी मुझे तो धन कमाना है, खूब पैसा कमाना है, खूब नाम रोशन करना है, 5 साल क्या मुझे धन कमाने की कला सिखाएगी? क्या 5 साल से मुझे धन प्राप्त होगा? क्या मैं बिजनेस कर सकूंगा 5 साल से? पिताजी ने कहा बेटा अभी 5 साल जाओ, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मेरी आज्ञा मानो, तुम 5 साल जाओ। और वो लौकिक शिक्षा भी पढ़ते गए, 5 साल भी पढ़ते गए। जब पढ़ाई लौकिक उनकी पूरी हो गई और उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो पहले बिजनेस उनके चांदी का बिजनेस था, फिर उसके बाद बैरिंग का बिजनेस हुआ, एक पार्टनरशिप में बैरिंग का काम किया और कुछ दिनों में 2 लाख रुपए की कमाई हुई। 1 लाख पार्टनर ने लिया, 1 लाख रतनलाल जी बैनाड़ा ने लिया। और बैनाड़ा जी 1 लाख रुपए जो हिसाब में मिला सीधा आकर के पिताजी के हाथों में दे दिया। पिताजी ने तो ले तो लिया और पूछा बेटा तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? पार्टनर? पिताजी वो तो क्लब में जाकर के पार्टी दे रहा है।